दोस्तों आईपीएल 2022 की बहुत ही खराब शुरुआत के बाद क्या चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस की टीम अभी भी पहुंच सकती है आईपीएल 2022 के प्लेऑफ्स में। बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को कर दीजिए एक लाइक। और दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या चेन्नई सुपर किंग या फिर मुंबई इंडियंस, इनमें से कोई भी टीम प्लेऑफ में पहुँच सकती है या फिर नहीं, आप अपनी राय कमेंट कर ज़रूर बताएँ। दोस्तों आईपीएल के इतिहास की दो सबसे सक्सेसफुल टीम, एक तरफ मुंबई इंडियंस, दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग की टीम, लेकिन आईपीएल 2022 का पॉइंट्स टेबल अगर आप देखें तो दोनों टीमें सबसे नीचे हमें जो है वो नजर आ रही है। जहां पर चेन्नई सुपर किंग की अगर बात करें तो 6 में से एक मुकाबला इस टीम ने अभी तक जो है वो जीता है, वहीं मुंबई इंडियंस की हालत और भी ज्यादा खराब है, जहां पर अभी तक मुंबई इंडियंस का खाता भी नहीं खुला है। 6 मुकाबले ये टीम खेल चुकी है और 6 के 6 मुकाबलों में इन्हें हार का सामना जो है वो करना पड़ा है। यानी कि दोस्तों मेगा ऑक्शन के बाद दो नई टीमों के आने के बाद चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस को बड़ा नुकसान हुआ है। ये टीमें जो हमें टॉप पे नजर आती थी, इस समय बॉटम ऑफ द टेबल हमें जो है वो आ रही है नजर। अब बात करें कि क्या ये टीमें प्ले ऑफ में पहुंच सकती है, सबसे पहले मुंबई इंडियंस की बात करें तो बिल्कुल इंपॉसिबल नजर आता है, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस इस साल बहुत ही ज्यादा खराब रहा है। 8 मुकाबले इस टीम के बचे हुए, 8 मुकाबले अगर ये जीतते हैं तभी जाकर प्ले ऑफ में जो है वो जा सकते हैं। लेकिन मुंबई इंडियंस का जो परफॉर्मेंस है इस साल हमें बहुत ही ज्यादा खराब देखने को मिला, और ऐसा हो सकता है कि ये टीम 8 में से 1 या 2 या 3 ही मुकाबले जीतते हुए हमें जो है वो नजर आ पाए। वहीं बात करें अगर चेन्नई सुपर किंग की, तो चेन्नई सुपर किंग की टीम ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, काफी क्लोज एनकाउंटर ये टीम इस साल जो है वो हारी है, जहां पर पिछला मुकाबला भी जो गुजरात टाइटन्स के खिलाफ खेला गया था, एकदम जीता हुआ मुकाबला चेन्नई सुपर किंग की टीम जो है वो हारी थी। यानी कि रिजल्ट इनके फेवर में नहीं रहे, लेकिन इस टीम ने परफॉर्मेंस काफी बढ़िया जो है वो किया है। इनके भी दोस्तों 8 मुकाबले बचे हुए हैं, अगर 7 मुकाबले जीत जाती है चेन्नई सुपर किंग की टीम तो ये टीम हमें प्ले ऑफ में जो है वो जा सकती है। काफी ज्यादा मुश्किल नजर आता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग की टीम ने इस साल काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बस रिजल्ट इनके फेवर में हमें जो है वो नजर नहीं आए। लेकिन मुंबई इंडियंस की जो टीम है वो पूरी तरीके से बाहर हो चुकी है, ये चीज हम बिल्कुल मानकर जो है वो चल सकते हैं। तो आपको क्या लग रहा है दोस्तों, क्या चेन्नई सुपर किंग के चांसेस हैं, क्या ये टीम जा सकती है प्ले ऑफ्स में, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।